तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है फिर से पल्लव ब्लॉग्स के इस नए वीडियो पे। और आज हम लोग बात करेंगे इस रॉयल एनफील्ड हंटर 350 के ऊपर। तो ये पूरे तरीके से डिटेल्ड वीडियो होगा कि ये जो मैंने रेबल ब्लैक लिया है इसके ऊपर जो है बेसिकली आज बात करेंगे कि पूरा फंक्शंस जो भी जो है रेबल ब्लैक में मिलता है आज उसी के ऊपर जो है हम लोग दोस्तों बात करेंगे। तो सबसे पहले जो है गाड़ी का मैं ओवर व्यू जो है ओवर लुक जो है मैं आपको दे दूं, तो सामने से जो देख सकते हैं कि ये लुक जो है वो आता है साइड से, और सामने से जो है लुक दिखाने की जो है मैं कोशिश करूंगा। इसमें इंस्टॉल्ड जो है आपका एसेसरी जो है इंस्टॉल्ड है, वो भी जो है मैंने उसका प्रॉपर वीडियो जो है मैं बना चुका हूँ, उसको जो है मैं आपको आई बटन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से जो है जाके आप सब चेक कर सकते हैं। तो आज जो है पूरे तरीके से डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे इसी रॉयल एनफील्ड हंटर 350 के ऊपर। तो सबसे पहले हम फीचर्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले फीचर्स में आता है बॉडी टाइप। तो बॉडी टाइप में जो है ये एक तरीके का क्रूजर बाइक है, क्रूजर बाइक इन द सेंस मैं इसको क्रूजर बाइक नहीं लेता हूँ, लेकिन दुनिया जो है और बाकी सब कंपनियां जो है इसको क्रूजर बाइक बोलती हैं, लेकिन मैं जो है इसको दोनों वे में जो है लेता हूँ। क्रूजर बाइक बेसिकली होती है ये कि आप हाईवे पे जो है पूरे अच्छे तरीके से जो है क्रूज कर सके, लेकिन मैं मानता हूँ कि ये क्रूजर के साथ साथ जो है आपको सिटी राइड के लिए भी जो है काफ़ी बेहतरीन जो है वो गाड़ी है। यानी कि दोनों स्पोर्ट्स लुक और प्लस क्रूजर, ये दोनों जो है इसमें जो है मिक्सचर है, तो मैं बेसिकली इसको मिक्सचर मानता हूँ दोनों का। उसके बाद जो है हम लोग फीचर्स में नेक्स्ट बात करते हैं ABS के बारे में। तो दूसरा देख सकते हैं ABS जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बारिश के समय में। तो इस गाड़ी में ड्यूअल चैनल ABS जो है वो आता है, जस्ट पीछे देख सकते हैं और आगे। ये ड्यूअल चैनल ABS का मतलब ये है कि गाड़ी जो है स्किट नहीं करती है दोस्तों। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर होता है किसी भी गाड़ी के लिए ABS होना। तो अब तीसरी बात करते हैं हम लोग इसके कूलिंग सिस्टम की। इतने अच्छे तरीके से जो है मैं अभी टेस्ट नहीं कर पाया हूँ, लेकिन कंपनी बोलती है कि ये जो है एयर एंड वाइल कूल दोनों है, यानी कि हवा से भी जो है ये इसके इंजन को जो है मतलब जल्दी कूल किया जा सकता है, और वाइल कूल जो है अंदर जो वाइल होता है उससे भी जो है ये कूल हो जाता है। तो बेसिकली यही जो है इसके तीन फीचर्स जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर्स है जो कि मैंने आपको बताया, क्रूजर बाइक के साथ साथ जो है ये आपको स्पोर्ट्स लुक भी जो है वो देती है। तो अब हम लोग बात करते हैं बेसिकली इसके इंजन के ऊपर, जो कि सिंगल सिलेंडर इंजन के साथ जो है ये गाड़ी आती है। सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक के साथ जो है ये इंजन आती है, जो कि आपको 339.34 CC की जो है ये इंजन है। ये जो इंजन जो है देख सकते हैं तमाम क्लासिक में मिट्योर में जो है यही इंजन आ रहा है, वही रॉयल एनफील्ड हंटर में भी जो है यही इंजन जो है ये लोग दे रहे हैं। अब इसके पावर की जो है हम लोग बात कर लें, तो 20.4 PS का जो है ये पावर देती है 6100 RPM पे, जो कि इसकी मैक्सिमम पावर है, और 27 Nm का टॉर्क है, जो कि 4000 MPM जब 4000 RPM जब आप गेन करते हैं तब जो है आपको मिलता है। ये जो गाड़ी है बेसिकली BS6 का Phase 2 जो है ये वर्जन है, देख सकते हैं यहाँ पे जो है इसकी बैजिंग जो है E20 के साथ जो है वो आती है। तो यही जो है बेसिकली सीन है इस गाड़ी के साथ कि ये जो है BS6 Phase 2 के साथ जो है ये गाड़ी आती है। अब हम लोग बात करते हैं इसके ट्रांसमिशन की। तो सबसे पहले ये गियर जो है इस साइड से जो है मैं आपको दिखा दूँ, गियर जो है बेसिकली यहाँ पे होता है लेफ्ट हैंड साइड में, और पहले वाले बुलेट में जो है उधर होता था। तो ये जो है 5 स्पीड के साथ जो है 5 गियर के साथ जो है आती है, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ जो है ये गाड़ी आती है, ठीक है। तो बेसिकली यही है पूरे तरीके से जो है आपका इंजन के ऊपर जो हम लोग बात कर चुके हैं। ब्रेक सिस्टम तो इसका काफ़ी अच्छा है, जो कि देख सकते हैं दोनों तरफ जो है आपको डिस्क ब्रेक जो है वो मिलता है, फ्रंट भी और रियर भी, जो कि ABS के साथ जो है वो आता है। अब बेसिकली जब भी इंडियन जो है वो आते हैं, इंडियन जैसे कि हम लोग जो है इंडियन है, तो हम लोग बेसिकली बात करते हैं कि गाड़ी जो है कितना माइलेज देती है। अगर एरोप्लेन में भी हम लोग बैठते हैं, अगर ट्रेन में बैठते हैं, तो लोग पूछते हैं कि क्या देती है, क्या माइलेज देती है। तो कंपनी के द्वारा जो है 36.2 KMPL का जो है माइलेज क्लेम करता है कंपनी। अभी तक मैं जो है माइलेज टेस्ट नहीं किया हूँ, माइलेज टेस्ट का वीडियो जो है अभी आएगा जल्द से जल्द अपने चैनल पे भी। अभी इसका फर्स्ट सर्विसिंग भी नहीं हुआ है, देखते हैं फर्स्ट सर्विसिंग के पहले जो है एक माइलेज टेस्ट कर लेंगे, और एक फर्स्ट सर्विसिंग के बाद जो है माइलेज टेस्ट कर लेंगे। तो ये माइलेज का जो है सीन कंपनी क्लेम करती है 36.2 KMPL। नेक्स्ट बात करते हैं इसके टायर डायमेंशन की। पीछे का टायर देख सकते हैं काफ़ी मोटा जो है ये आता है, और तमाम जितने भी रॉयल एनफील्ड है उसमें सबसे मोटा टायर जो अगर किसी का आता है तो हंटर का ही आता है। तो टायर के ऊपर जो हम बेसिकली बात करेंगे, तो सबसे पहले पीछे टायर का जो है आपको डायमेंशन जो है मैं दिखा दूँ, तो 140 और उसके बाद 70 मैं आपको दिखाई देता हूँ कि क्या है। 140 70 R17 का जो है टायर है, ये देख सकते हैं सामने ही आप जो है आपको दिखा दूं, और फ्रंट का जो है मैं दिखाने की आपको कोशिश करता हूं। तो फ्रंट जो है यहां देखिए 110
70 और R17 का जो है टायर आपको इसमें मिलेगा। तो ये जो है आपका डायमेंशन है और पूरे तरीके से ट्यूबलेस टायर जो है ये आता है, ट्यूबलेस इन द सेंस कि आपके अंदर जो है ट्यूब इसके अंदर जो है आपको नहीं मिलता है। तो यही है, लेकिन एक चीज़ डायमेंशंस के ऊपर जो है मैं बात करता हूँ आपको, तो इसकी सीट हाइट जो है देख सकते हैं 790 mm का जो है सीट हाइट है। ये वाला सीट हाइट जो है 790 mm ऊपर से लेकर नीचे तक जो है मैं दिखा दूँ आपको 770 mm। सीट का क्वालिटी जो है काफ़ी ठीक है, लेकिन ज़्यादा बड़ा जो है ये गाड़ी का सीट जो है वो नहीं है दोस्तों, ये जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यही है सीन। और बाकी लोड कैरिंग कैपेसिटी जो है इसकी बता दूं मैं, लोड कैरिंग कैपेसिटी जो है 179 kg का जो है इसका लोड कैरिंग कैपेसिटी है। इस गाड़ी की जो है मैं बात करूं तो बकायदे क्रूजिंग के पर्पस से जो है ये गाड़ी यूज़ की जा सकती है। दोस्तों जो मैथ्स पढ़ते हैं उनके लिए जो है एक इंटरेस्टिंग ये मैं बता दूँ आपको इन्फॉर्मेशन इस गाड़ी के बारे में। तो इस गाड़ी का लेंथ जो है यानी कि जो लंबाई है वो 2055 mm की जो है लंबाई के साथ जो है ये गाड़ी आती है, और व्हील बेस जो है 1370 mm का जो व्हील बेस जो है इस गाड़ी में आता है। अब गाड़ी की हाइट जो है ये लगभग 1055 mm की जो है इसकी हाइट है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात इसके ग्राउंड क्लियरेंस की जो है दोस्तों मैं कर लेता हूँ। ये देख सकते हैं ग्राउंड क्लियरेंस जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करता है कि गाड़ी जो है नीचे से कहीं से सट ना जाए। तो ग्राउंड क्लियरेंस दोस्तों इसका जो है 150 mm का जो है ग्राउंड क्लियरेंस आता है, जो कि बहुत लो जो है मैं मानता हूँ। थोड़ा सा जो है और इसको बढ़ा के जो है ग्राउंड क्लियरेंस जो है दोस्तों देना चाहिए। तो यही है इसका ग्राउंड क्लियरेंस। बाकी विड्थ जो है देख सकते हैं 800 mm का विड्थ जो है आपको दिखाई देता है। और फ्यूल कैपेसिटी, जब आप कोई लंबा राइड करते हैं तो फ्यूल कैपेसिटी जो है काफ़ी मायने रखती है। तो इसका टैंक का जो फ्यूल कैपेसिटी है वो 13 लीटर का जो है वो कैपेसिटी है। बाकी इलेक्ट्रिकल्स के ऊपर जो है आते हैं। अब गाड़ी जो है काफ़ी लॉन्ग राइड क्रूजिंग पर्पज़ के लिए अगर आप लेते हैं तो आपका मोबाइल जो है चार्ज होना काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें चार्जर भी जो है वो दिया गया है, वो जो है यहाँ पे है, ये देख सकते हैं ये USB ये वाला। इसको जैसे ही ऊपर करेंगे तो आपको USB टाइप ए जो है उसका पोर्ट जो है यहाँ पे मिल जाएगा। बाकी पीछे जो है आपको LED लाइट जो है वो मिलती है, ये वाला जो टेल लाइट है ये देख सकते हैं, ये जो है आपको LED मिलेगा, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो बेसिकली यही है आपका पूरे तरीके से जो मैं आपको बता दिया हूँ। और प्राइस का वीडियो जो है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जो कि ऑफ रोड का प्राइस जो इसका पड़ता है 1,74,000। तो बेसिकली यही जो है आपका प्राइस है। तो पूरे तरीके से जो है ओवरलुक ओवरव्यू जो है इस गाड़ी का मैं दे चुका हूँ। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है मैं आपको दिखा चुका हूँ। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है सेमी डिजिटल जो है वो आता है, जैसा कि ये देख सकते हैं पूरे तरीके से ऊपर एनालॉग और बीच में डिजिटल। बाकी पूरा इन्फॉर्मेशन जो है आपको नीचे यहाँ पे शो होगा। इसका की जो है मैं आपको दिखा दूँ, तो की जो है सिंपल तरीके से ऐसा आता है, ये जो है इसका की है। बाकी छुटपुट जो भी चीज़ें हैं ये सब पैडल रखने के लिए यहाँ पे जो है आपको दिया गया है, ताकि अगर आप यहाँ पे रखें तो कोई दिक्कत जो है वो ना हो। ये जो है देख सकते हैं इसके ऊपर जो है पूरे तरीके से कंफर्ट के मामले में जो है गाड़ी ठीक है, ना ज़्यादा 19 है ना ज़्यादा 20 है। एक पॉजिटिव और निगेटिव एस्पेक्ट्स के ऊपर वीडियो जो है थोड़े दिन बाद जो है वो आएगी, लेकिन ये पूरे तरीके से जो है अभी मैं बता रहा हूँ आपको कि रॉयल इनफील्ड रेबल ब्लैक का जो है पूरे तरीके से मैं आपको एक डिटेल वीडियो जो है वो दे चुका हूँ। और गाड़ी का नंबर भी जो है दोस्तों आ चुका है, देख सकते हैं गाड़ी का नंबर जो है मैं आपको दिखा दूँ 9006। इसके ऊपर भी जो एक वीडियो मैं बनाऊंगा कि गाड़ी का नंबर जो है आपको पसंदीदा नंबर लेना हो तो उसके लिए जो है क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों फाइनली हमारे वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे अपने भाई को, क्योंकि सब्सक्राइब से आपके भाई को जो मोटिवेशन मिलता है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।